हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद सेंटर। आज का जो विषय आपके सामने लेके आया हूँ, उसे बहुत सारे लोग आजकल बहुत ज़्यादा ऐसी मात्रा बढ़ चुकी है उस रोग से, जिसको हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम पे जानते हैं। आयुर्वेद में इसको आमवात का बताया गया है, या आमवात के नाम से जाना जाता है। बेसिकली आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताना चाहूँगा जिससे आपको ये महसूस या ये पता कर सकें जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पहली चीज़, सुबह उठने में दिक्कत आना या सुबह उठकर स्टिफनेस होना, बॉडी में बहुत ज़्यादा अकड़ाव का महसूस होना, ये एक लक्षण है आमवात का या रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। बहुत देर तक आपको कब्जी का कोई हिस्ट्री तो नहीं है। इसके साथ अगर आपकी कब्जी की हिस्ट्री है, जकड़न है शरीर में, थकावट जल्दी होती है और समय पे नींद नहीं आना, नींद के साथ बेचैनी रहना, ऐसे कुछ लक्षण अगर आपकी बॉडी में या आपको समझ आते हैं, आप इन चीज़ों को महसूस करते हो, तो आपको ज़रूर एक बार आरए फैक्टर चेक करवाना चाहिए कि आरए फैक्टर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसको आप घर में किन किन चीज़ों से, आप घर में ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको इन चीज़ों, इस बीमारी से बचा सकती हैं, उसमें मैं नाम लेना चाहूँगा। आपके घर में जो है लहसुन का बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लहसुन को किसी भी रूप में खाने में, या उसकी पेस्ट लहसुन का आजकल आता है, या किसी भी और रूप में आप अगर लेना शुरू कर दें, तो आपको आमवात मतलब अर्थराइटिस में, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आराम मिलता है। और साथ ही साथ अगर आपके साथ, अगर घर में आप लहसुन के साथ अदरक का उपयोग भी ज़्यादा करने लग जाएं, दालचीनी का उपयोग करने लग जाएं, दालचीनी वाली, इवन कि आप अपने चाय में भी दालचीनी का उपयोग कर सकते हैं, तो आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस से बहुत जल्दी आराम मिल सकता है और आपको कम दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसमें ऑटोइम्यून का मतलब है कि आपके अपने सेल आपकी बॉडी को ख़राब करने लग जाते हैं, या आपकी अपनी ही इम्यूनिटी आपके खिलाफ चलती है। और आयुर्वेद में ऑटोइम्यून डिजीज़ का बहुत अच्छा इलाज बताया गया है, और किसी भी पैथे में ऐसे डिजीज़ का कोई इलाज नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट होती है। अगर आप आयुर्वेद को समझ कर अपनाएंगे, तो आप ऐसे डिजीज़, ऐसे ऑटोइम्यून डिजीज़ों से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं और अपनी एक स्वस्थ लाइफ जी सकते हैं। मैं जल्दी आपको नए टिप्स के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बाय। और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे रोज़ विज़िट करें। धन्यवाद।